हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अंकुश, आज आपके लिए लेकर आए हैं जूलॉजी सेक्शन। अभी तक हम बात कर रहे थे बॉटनी बॉटनी जूलॉजी, आपके दोनों पार्लर चलेंगे, साथ साथ चलेंगे। कभी जूलॉजी का वीडियो मिलेगा तो कभी बॉटनी का मिलेगा आपको स्पेशल। तो आज हम बात करते हैं जूलॉजी स्पेशल की, जिसमें स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एनिमल सेल एंड इट्स वेरियस ऑर्गेनल्स, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जनरल सर्वे ऑफ प्रोटिस्टा और स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ हिस्ट्री ऑफ इनवर्टिब्रेट, कंपरेटिव एनाटॉमी ऑफ वर्टिब्रेट और मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन और कॉर्डेट एम्ब्रियोलॉजी, इकोलॉजी, इकोनॉमिक जूलॉजी और मिसलेनियस वगैरह जो भी है और इससे संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं। ब्रॉड क्षेत्र है तो आज उसकी बात करेंगे इससे आने वाले प्रश्नों की। तो आज हम अपना वीडियो शुरू करें, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करें कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके शेयर से ही चैनल ग्रोथ करता है। जब चैनल ग्रोथ करता है तो आपको मटेरियल भी अच्छा से अच्छा मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो पहला क्वेश्चन से चलिए, मैंने हाइलाइटर चूज कर लिया। तो पहला क्वेश्चन है लाइसोसोम आर प्रोड्यूस्ड बाय, तो लाइसोसोम किससे बनता है? तो लाइसोसोम आप सब जानते हैं गोल्जी ऑपरेटस से बनता है। लाइसोसोम्स आर सम टाइम कॉल्ड सुसाइडल बैग या सुसाइड बैग के नाम से जानते हैं। लाइसोसोम डिस्कवर्ड किसने किया था? तो डी डुवे ने किया था, 1955 में डिस्कवर्ड किया था। और ये लाइसोसोम होता है, इसके कई रूप होते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर डीएनए सिंथेसिस इन ए सेल टेक प्लेस ड्यूरिंग, तो कब डीएनए सिंथेसिस होती है? तो वो यस फेस में होती है। कब होती है? तो वो यस फेस में हमें देखने को मिलता है। तो हमारा ऑप्शन होगा ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है काइनेटोकोर असेंबल्स ऑन ईच क्रोमोसोम ड्यूरिंग, तो ये कब हमें दिखाई देता है? तो ये अर्ली प्रोफेज में हमें दिखाई देता है। तो चलो इसको देख भी लेते हैं। जो काइनेटोकोर्स होता है वो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जो सेंट्रोसोम के ऊपर पाया जाता है और ये हमें जब डिवीजन हो रहा होता है तब हमें दिखाई देता है। क्रोमेटिड ज्वाइंट टूगेदर बाय अ डुप्लीकेटेड बट अनसेपरेटेड सेंट्रोमियर आर कॉल्ड, देखिये जब क्रोमेटिड ज्वाइंट टूगेदर एक दूसरे से जुड़े होते हैं बाई डुप्लीकेटेड बट अनसेपरेटेड सेंट्रोमियर आर कॉल्ड, जब सेंट्रोमियर से एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं तो उस स्टेज को बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड्स के नाम से जानते हैं। बकाया आप ये जो इसका डिस्क्रिप्शन वो देख सकते हैं और जो क्वेश्चन जिस सोर्स से किताब से लिया गया अभी पेज के साथ आपके लिए उपलब्ध कराया गया तो आप देख सकते हैं। क्रोमोसोम कंटेंट, चूंकि हम पूरा अगर इसको आपको पढ़ के बताएंगे या डिस्क्राइब करेंगे तो दो चार क्वेश्चन हो पाएंगे, तो मैं ज्यादा सोच रहा हूँ ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन हो पाए। क्रोमोसोम्स कंटेंट, तो क्रोमोसोम में क्या क्या पाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा क्रोमोसोम में डीएनए भी पाया जाता है, आरएनए भी पाया जाता है, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन, तो चारों चीजें पाया जाता है। अक्सर जो हम लोग करके आते हैं वो करके आते हैं डीएनए आरएनए एंड हिस्टोन, तो नहीं, डीएनए आरएनए हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन दोनों प्रोटीन देखने को मिलती हैं। जेनेटिक्स आप पीके गुप्ता की बुक है जो बीएससी लेवल पे और एमएससी लेवल पे चलती है, पीके गुप्ता की रस्तोगी पब्लिकेशन की आती है ये, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ये काफी डीपली है, इतनी डीपली है कि आप बहुत ज्यादा डीपली है और ये सीएसआईआर नेट में जो इसके क्वेश्चन आते हैं वो इससे मिलेंगे आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच आर द फॉलोइंग डज नॉट हैपन इन द प्रोफेज फर्स्ट ऑफ म्यूसिस, तो वो क्या नहीं पाया जाता है प्रोफेज फर्स्ट में म्यूसिस में? तो वो है हमारा सेग्रीगेशन। क्या नहीं पाया जाता है? सेग्रीगेशन नहीं होता है। ये क्वेश्चन आप नोट करके लिखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फ्रेंडज मोरान पार्टिकुलर फाउंडिंग, तो इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ये कहते हैं कि पेपर टफ आया, तो इस तरह के क्वेश्चन आप नोट कर लेंगे कि जो फ्रेंडज मोरान पार्टिकल्स आर फाउंडिंग, तो वो हमारे माइटोकांडिया में देखने को मिलते हैं। देर आर टू टाइप ऑफ पार्टिकल फाउंड इन द माइटोकांडिया, कौन कौन से आते हैं? फर्नांड और मोरान कार्ड स्टॉक पार्टिकल प्रेजेंट ऑन द इनर माइटोकांडिया मेम्ब्रेन एंड अदर सब यूनिट ऑफ पर्सन कार्ड स्टॉकलेस पार्टिकल
present on outer membrane of mitochondria in recent work only in the stalk particle of the inner membrane involved in the hydrogen transport. Meiosis and mitosis and meiosis always differ in regard to the presence. तो किसके regards में meiosis और mitosis एक दूसरे अलग होते हैं, तो वो है bivalence. तो ये सीबी पवार की बुक आती है साइटोलॉजी की, तो उसमें ये आंसर मिला. डीएनए ऑफ द माइटोकांड्रिया इज, तो डीएनए ऑफ द माइटोकांड्रिया इज, तो वो कैसा होता है, तो देखिए किसमें नेकेड होता, नेकेड तो होता ही है, सर्कुलर होता है, डबल स्टैंड, तो ऑफ ए वो आंसर होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. राइबो न्यूक्लियस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपको परेशान करते हैं. वो क्या करता है, राइबो न्यूक्लियस जो एंजाइम होता है आप सब जानते हैं, आरएनए के बने हुए, जो आरएनए एक्ट एज लाइक एंजाइम नोन एज द राइबो न्यूक्लियस एंजाइम. तो ये किस श्रेणी में आता है, तो ये लाइस के श्रेणी में आता है, और इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए. नवोदय में भी क्वेश्चन आया था, जिन लोगों ने, हमारे मित्रों ने नवोदय का एग्जाम दिया हो, तो उसमें पूछा था टाइप ऑफ एंजाइम, कितने प्रकार के एंजाइम होते हैं, कितने प्रकार के एंजाइमों में वर्गीकरण किया गया है, तो छह प्रकार के एंजाइम वर्गीकरण किया, जो हमारे मित्र अभी एग्जाम आपको दिए हैं 2019 में. किसका एग्जाम दिए हैं, तो बायोलॉजी विषय का एग्जाम दिए हैं, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था. क्लिनफेल्टर सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ, तो आप सब जानते हैं 2x और 1y होता है, तो बी सही है. और ये होता क्या, दीज वर मेड द इंडिविजुअल हु आर द फिनोटाइपिकली फेयरली नॉर्मल बट हैव वेरी लो स्पर्म काउंट एंड द देयर फॉर स्टराइल अदर ऑप्शन क्लोज्ड बाय द क्लोज बाय दिस डेफिनेशन. व्हेन वन जीन डोमिनेट्स द एक्सप्रेशन ऑफ एनदर जीन द फिनोमेना नोन एज, जब एक जीन दूसरे जीन पर प्रभावी होती है तो इसे हम किसके नाम जानते हैं, तो इसे प्लियोट्रॉफी के नाम से जानते हैं. द प्लियोट्रॉफिक जीन कॉल द मॉडिफायर्स जीन मे ऑल्सो इन्फ्लुएंस द डिग्री ऑफ डोमिनेंस एक्सप्रेस बाय द एनदर जीन बट एपी स्टार्ट्स is means that one gene change the effect of another gene called the epistatic gene. तो epistatic gene समझ में आ गए होंगे, जब एक जीन दूसरे जीन के प्रभाव को खत्म कर देती है. This codominance फिर बता रहा है आपका epistatic हुआ. The codominance means in some case both contrasting character are equally expressed in offspring. यानी जो संतति में दोनों करेक्टर से एक साथ प्रकट होते हैं, this phenomena called the codominance. The correct sequence stays in the evolution of horse. Horse के evolution का जो सही क्रम है वो क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इससे आपको horse की जो आपका phylogeny मिलेगी कि किसके बाद कौन डेवलप हुआ या किस में विकसित हुआ. तो यहाँ कौन सा सही है, तो हम बात करते हैं Eohippus, यानी ये ऑप्शन ये सही है, तो इसी क्रम में देख लेते हैं. उसने दिया भी है Eohippus, Orohippus, Mesohippus और Mericohippus और Pliohippus, तो ये इनका एक क्रम है. तो आप याद रखिएगा, इनको दो चार बार लिखेंगे तो क्रम याद हो जाएगा. ये क्वेश्चन मुझे स्कैन करने में हमें लगता है कुछ गड़बड़ हुआ है, तो क्लियर नहीं आ रहा है. ओंटोजेनी देखते हैं पढ़ के. ओंटोजेनी रिकैपिटुलेशन फाइलोजेनी This phenomena is reported by, तो recapitulation theory है, अभी मैं reported ही लग रहा है, explained है लिखा शायद, explained by the recapitulation theory, तो इसी number सही है. ए डबल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऐसा है कि आप लोग जरा दिमाग खोल के बैठिएगा, इसको हम आपको बताएंगे भी कि ए डबल स्टैंड डीएनए, एक डबल, चलिए हम इस पे वो ले लेते हैं, मार्कर पेन ले लेते हैं, चलिए देखते हैं आ रहा है, हाँ आ रहा है. तो ये क्वेश्चन आप पेन कॉपी लेकर बैठिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. ए डबल स्टैंड डीएनए मॉलिक्यूल कंटेनिंग 10,000 बेस पेयर विल हैव लेंथ, तो उसने कहा है कि एक डबल स्टैंड डीएनए है, समझ में आ गया, मतलब एक इस तरह का डबल स्टैंड मान लेते हैं ये हमारा डीएनए है.
इस डबल स्ट्रैंड डीएनए में जो हमारे बेस पेयर की संख्या है वो कितनी है, तो वो 10,000 है। तो चलिए 10,000 ये और ये और ये हमारी हो गई 10,000। अब कहता है इसकी लंबाई कितनी होगी, तो आप वैसे तो नॉर्मली आपका दिमाग चक्कर खाएगा और बिल्कुल सिंपल है कि कैसे होगी। तो आप सब जानते हैं कि जो डीएनए का हेलिक्स होता है एक, उस हेलिक्स की जो लंबाई होती है वो होती है 34 nm। क्या होता है 34 nm, तो 34 nm। और एक हेलिक्स में जो न्यूक्लियोटाइड की संख्या होती है वो होती है 10। कितनी होती है 10। तो अब इसकी लंबाई निकालने के लिए, चलो यहां उसने बताया भी है तो चलो अच्छा बताया है, चलो इसी में देख लेते हैं। तो 10 बेस पेयर हैं, 30 mm की लंबाई बनाते हैं, तो एक बेस पेयर में कितनी लंबाई बनेगी, तो 34/10 कर देंगे, लेंथ हमने कर दी। तो 10,000 में कितनी होगी, तो 34/10 इंटू 10,000, तो ये हमारी इतनी टोटल। हम इसको इसको इसका जीरो इससे काट दिया और इसमें इसको काउंट कर गुणा कर दिया, तो हमारा इतना निकला है। तो आप सब समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हम बेस पेयर की संख्या लंबाई निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फेनिल कीटोन्यूरिया डिजीज सोज, तो ये एक्यूमुलेशन ऑफ फेनिल एलानिन टिश्यूज, ये ऑप्शन ए सही होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द मोस्ट प्रिमेटिव हॉर्स, इनमें से सबसे प्रिमेटिव हॉर्स कौन सा है, तो वो हराइकोथेरियम है, जिसको हम हराइकोथेरियम आल्सो कॉल द योहिप्पस, इसका दूसरा नाम है योहिप्पस। अब पता लगा आपने योहिप्पस याद करके रखा है और इसको याद नहीं किया है। इट इज नोन द थर्ड नेम डॉन हॉर्स, क्या बोलते हैं डॉन हॉर्स के नाम से भी जानते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये पेज थोड़ा सा क्लियर नहीं है। विच क्लोज नहीं लिखा हुआ, विच क्लास ऑफ प्रोटोजोआ इज टोटली पैरासाइट, तो वो स्पोरोजोआ होता है जो टोटली पैरासाइट है। बाइनोमियल नॉर्मल क्लेचर वाज डिस्कवर्ड बाय, तो बाइनोमियल नॉर्मल क्लेचर आप सब जानते हैं कैरोलस लिनियस ने दिया था, तो आप सबको मालूम है। और डार्विन ने दिया क्या था, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। लैमार्क गिव द इनहेरिटेंस एंड एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, और जो कोवियर थे फादर ऑफ कंपरेटिव एनाटॉमी एंड पैलियोन्टोलॉजी, तो ये ऑप्शन आपको दिए थे, सारा डिस्कस किया। बाउचेरिया कास्ट, तो बाउचेरिया एलिफेंटेसिस उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है एलिफेंटेसिस। डिसेंट्री किससे होता है, तो एंटामीबा हिस्टोलेज का। और जॉन्डिस किसके होता है, जॉन्डिस वायरस से भी होता है और जॉन्डिस बैक्टीरिया से भी होता है, ध्यान रखिएगा। हेपेटाइटिस वगैरह आपने सुना होगा, तो सब वायरस है और ये बैक्टीरिया से भी होता है। जो हेडेक है, तो ये ट्रिपैनोसोमा रोडेसियंस बताया हुआ है हेडेक। बेसल ग्रेन्यूल डिफर्स फ्रॉम द फ्लैजिलम इन हैविंग, तो ये क्या होता है, बेसल ग्रेन्यूल जो होते हैं वो क्या पाया जाता है, तो 9 पेरिफेरल ट्रिपलेस और 2 सेंट्रल फाइबर्स पाए जाते हैं। तो आप जब इसका बेसिक संरचना देखेंगे तो नजर आएगा आपको। एलोजिनेसिस इज टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, तो एलोजिनेसिस जो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, तो ये लीवर फ्लूक में हमें देखने को मिलता है। चलिए अब इसको क्लियर है अब हमारे पास मैटर। एलोजिनेसिस टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन फाउंड इन लीवर फ्लूक, तो नोट कर लीजिएगा कि एलोजिनेसिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किसमें पाई जाती है, तो लीवर फ्लूक। फैसियोला इन्वॉल्व ए पीरियड ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ड्यूरिंग ए मैच्योर स्टेज, यानी सिस्ट एंड रेडियाई, फॉलोड बाय ए पीरियड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द एडल्ट स्टेज कॉल्ड द एलोजेनेरिक टाइप ऑफ अल्टरनेशन एंड जनरेशन एब्सेंट इन पैरामीशियम मोनोसिस्टिस एंड स्नेल। नेक्स्ट है, इन प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम इन्फेक्शन द माइन्यूट ग्रेन्यूलेशन द कार्पस्कुलर
साइटोप्लाज्म ऑफ द पैरासाइटिज्ड इराइथ्रोसाइट्स आर नोन एज, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं मॉरर डॉट्स। देखिए ये डॉट्स कई प्रकार के होते हैं और कई होते हैं, तो आप इनको देखिएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गेन इन ए फ्रेश वाटर मसल, तो मसल तो होगा नहीं, यहाँ क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन द फ्रेश वाटर, जो मोलस्कस हैं उनमें हमें क्या देखने को मिलता है, तो उसमें हमें ऑर्गन्स आप बोजेनस देखने को मिलते हैं। देयर आर टू एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स फाउंड इन द फ्रेश वाटर मसल, ऑर्गेनस ऑफ बोजेनस एंड केबर ऑर्गन्स, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। बट ऑर्गन्स ऑफ द कॉर्टाई इज द हियरिंग ऑर्गन फाउंड इन द इंटरनल ईयर एंड ऑर्गन ऑफ क्यूवियर फाउंड इन फिशेस, विच इनेबल्ड आर्थोपोड्स मोस्ट टू द सर्वाइव ऑन लैंड, तो वो कौन सा है, तो काइटेनियस क्यूटिकल की वजह से जो आर्थोपोड्स हैं वो सर्वाइव कर रहे हैं लैंड पे। काला आजार कॉज्ड बाय, तो वो काला आजार जो है लेस्मोनिया डोनोवनाई के द्वारा होता है, और ट्रिपैनोसोमा गैम्बियन से आप सब जानते ही हैं स्लीप सिकनेस डिजीज होती है, जिरार्डिया से क्या होता है डिसेंट्री होती है, और ट्राइकोमोनास कार्ड वेजिनेटिस। हेक्सोकैन लार्वा फाउंड इन, तो हेक्सोकैन जो लार्वा होता है वो हमें देखने को मिलता है किसमें, टीनिया सोलियम में, हेक्सोकैन लार्वा जो होता है वो टीनिया सोलियम में देखने को मिलता है। और रेबिडिटी फ्रॉम जो लार्वा होता है वो स्केरिस में पाया जाता है, तो नोट कर लीजिएगा। टैडपोल लार्वा एम्फियोक्सिस में देखने को मिलता है, मीरा सीडियम रेडिया स्पोरोस सरकेरिया मेटा सरकेरिया लार्वा फाउंड इन फेसियोला हिफाटिका। द फर्स्ट जुवेनिल लार्वा ऑफ स्केरिस इज नोन एज, तो पहला जो यंग बिल्कुल जो तरुण लार्वा होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम रेबिडिटी फॉर्म लार्वा बोलते हैं, तो द फर्स्ट जुवेनिल लार्वा ऑफ स्केरिस इज नोन एज द रेबिडिटी फॉर्म लार्वा। मोर और लेस सर्कुलर ऑफ हॉर्सू शेप्ड कोरल रीफ पार्शियली और होली इनक्लोजिंग ए सेंट्रल लैग्यून इज कॉल्ड, तो वो क्या कहलाती है, तो वो एटॉल कहलाती है, क्या कहलाती है, एटॉल आल्सो टर्म्ड एज कोरल आइसलैंड और लैग्यून इज लैंड इज, आपने कोरल रीफ पढ़ा होगा तो वहां आपको ये सब आपको मिलेगा। चलिए दूसरा देख लेते हैं, पेनाटुला बिलोंग टू वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स, पेनाटुला होता है वो किस ग्रुप को बिलोंग करता है, तो पेनाटुला जो होता है वो किसको बिलोंग करता है, एल्कोनेरिया को बिलोंग करता है। पेनाटुला आर द सीलेंटेट एनिमल्स, तो ये क्या है, सीलेंटेट एनिमल्स है, कॉल्ड द सी पेन, किसके नाम जानते हैं, सी पेन, बिलोंग द ग्रुप ऑफ एल्केनेरिया, ये कोटपाल त्यागी की बुक है जो बीएससी में चलती है, इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट दोनों आती है। टाइट्समैन बॉडीज आर वन ऑफ द इसेंशियल पार्ट ऑफ द एम्बुलक्रेल सिस्टम ऑफ स्टार फिश एंड आर क्लोजली एसोसिएटेड विद, तो ये जो होती है वो रिंग कैनाल से मिली रहती है। इन इंसेक्ट यूरिक की जगह यूरिक एसिड एंड यूरेट्स आर स्टोर्ड इन, तो ये किसमें स्टोर्ड करते हैं, तो ये फैट बॉडीज में करते हैं। सीलिया आर अब्सेंट इन, तो किसमें अब्सेंट रहते हैं, प्रोटोजोवा एनीलिडा मोलस्का आर्थोपोडिया, तो आप लोग बताइएगा, तो एनीलिडा में सीलिया अब्सेंट रहता है। द सीलिया आर अब्सेंट इन आर्थोपोडा बट प्रेजेंट इन प्रोटोजोवा, सॉरी यहां एनीलिडा नहीं आर्थोपोडा होगा, सीलिया आर अब्सेंट, ये रॉन्ग लगा हुआ है,
सीलिया आर एब्सेंट इन आर्थोपोडा बट प्रेजेंट इन प्रोटोजोवा पैरामीस एमनेलिडा एंड ट्रैकोफोरा लार्वा नेरिस मोलस्का इन गिल्स आप पाइला। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो होगा आर्थोपोडा। तो इसको हम खत्म भी कर देते हैं। ये तो आर्थोपोडा इसका ऑप्शन सही होगा। टीनिया टेक्स फूड थ्रो, तो टीनिया जो फूड लेता है वो किससे लेता है, तो वो बॉडी सरफेस से लेता है। एनिसोगैमी, तो एनिसोगैमी क्या होती है, तो इसका ऑप्शन सही है। चलिए, वेन द टू फ्यूजिंग गैमेट डिफर मॉर्फोलॉजिकली एज वेल एज बिहेवियर, जो बिहेवियर में तो आप सब जानते हैं आइस, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। व्हाट काइंड ऑफ कैनाल सिस्टम फाउंड इन द इंडियन फ्रेश वाटर स्पंज, तो इसमें कहता है कौन सा है जो इंडियन जो फ्रेश वाटर स्पंज है उसमें हमें देखने को मिलता है। तो स्पोंजिला इज ओनली द फ्रेश वाटर इंडियन स्पीसीज, ध्यान रखिए स्पोंजिला जो है वो फ्रेश वाटर इंडियन स्पीसीज है, कंटेन ल्यूकोन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, तो ऑप्शन सी इसका सही है। इन व्हाट पार्ट ऑफ एलिमेंट्रिक कैनाल ऑफ मैमल्स, व्हाट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्रिक कैनाल ऑफ मैमल्स ट्रोफोजॉइड ऑफ डिसेंट्री कॉजिंग अमीबा हिस्टोलूटिका, आप सब जानते हैं तो इंटेस्टाइन में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताइएगा, और ये ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको उपलब्ध करा रहे हैं जो पीसीएस में आए हुए हैं और जो पीजीटी बायोलॉजी में आए हुए हैं, जो आईएएस में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, और ये बायोलॉजी पूरा हम लेकर चल रहे हैं। आप फॉरेस्ट्री का एग्जाम दे रहे हैं या आप अन बायोलॉजी एग्जाम दे रहे हैं, सब में ये क्वेश्चन कॉमन है, तो इसलिए आप इसको देखिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा। शिक्षा, नमस्कार।